जी नमस्कार, मैं सुधीर शर्मा। मैं इस वीडियो लेसन में जो हमारी आज की स्टडी है वो सब्जेक्ट प्रोनाउन की है। हम सब्जेक्ट प्रोनाउन का चेन कैसे करेंगे अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट पार्ट। सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट पार्ट होता है उसको उसके अकॉर्डिंग हम सब्जेक्ट प्रोनाउन का चेन करते हैं, जिनको पर्सनल प्रोनाउन भी बोलते हैं। देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो सब्जेक्ट प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं इनको, आई यू वी दे ही सी इट, ये सिंपल हम सभी जानते हैं। आई का जो यूज है वो हमारा जो है फर्स्ट पर्सन, बी का फर्स्ट पर्सन में यूज होता है, जो कि वक्ता होता है, जो कि स्पीकर, जो कि इनफॉर्मर होता है। यहाँ पर यू लिसनर यानी कि सुनने वाला, जिसको हम सेकंड पर्सन बोलते हैं। और यहाँ पर दे ही सी इट, ये जो हमारे प्रोनाउंस हैं ये जो है थर्ड पर्सन होते हैं, जिनके बारे में हम ऐसा बात करते हैं, ठीक, जिनके बारे में हम इंफॉर्मेशन देते हैं। अब यहाँ पर देखिए सिंगुलर पर्सन के जो प्रोनाउन है, यहाँ पर सब्जेक्ट प्रोनाउन सिंगुलर पर्सन आई ही सी इट, ठीक। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो वर्ब का यूज करेंगे, जो कि ऑक्सिलरी वर्ब है, यानी कि यहाँ पर जो यूज होने वाली वर्ब है, जो कि हमारे आई ही सी इट यानी सब्जेक्ट प्रोनाउन है जो कि सिंगुलर है, तो वर्ब हमेशा सिंगुलर फॉर्म में यूज होगी, ठीक। अब देखिए है का यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट पार्ट होगा, इसके अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट पार्ट को आप देख रहे हैं कि सिंगल पर्सन पोजिशन एंड रिलेशन। इसका मतलब ये है कि एक ही व्यक्ति का अधिकार या रिलेशन ऑब्जेक्ट से हो तो हमेशा सब्जेक्ट प्रोनाउन जो होगा वो सिंगुलर ही होगा। और दूसरी बात देखिए यहाँ पर प्लुरल फॉर्म में, यदि यहाँ पर हमारे वी यू दे, यानी कहने का मतलब ये है यहाँ पर कि जो सब्जेक्ट प्रोनाउन वी यू दे जो कि हमारे प्लुरल फॉर्म है, तो वर्ब हमारे साथ ऑक्सिलरी वर्ब यहाँ पर प्लुरल फॉर्म में होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है वो मोर देन वन पर्सन का पोजिशन रिलेशन है। कहने का मतलब यदि ऑब्जेक्ट एक से अधिक व्यक्ति के द्वारा शेयर हो रहा हो या उस पर अधिकार हो एक से अधिक व्यक्ति का, तो हमेशा यहाँ पर जो सब्जेक्ट प्रोनाउन होगा वो और हमेशा क्या होगा, प्लुरल फॉर्म में होगा, और उसी के अकॉर्डिंग हमारी ऑक्सिलरी वर्ब प्लुरल फॉर्म में ही यूज होगी। फॉर एग्जाम्पल आप देख रहे हैं यहाँ पर सेंटेंस है ये कि कोई सब्जेक्ट सिंगल है तो वर्ब हमारी सिंगुलर होगी और ऑब्जेक्ट सिंगुलर पर्सन का पोजिशन होगा, उससे एक ही व्यक्ति का रिलेशन होगा। सेकेंड डायग्राम आप देखें, यदि सब्जेक्ट ये इसके साथ में कोई सब्जेक्ट प्रोनाउन दूसरा आ जाता है, तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है वो एक से अधिक व्यक्ति के द्वारा शेयर हो रहा है, तो यहाँ पर जो वर्ब है हमारी जो ऑक्सिलरी वर्ब होगी वो प्लुरल फॉर्म में होगी। तो ये सारी चीजें अब हम आपको नेक्स्ट सेशन में ये बताते हैं कि हम किस तरह से हम सेंटेंस में अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट के हम सब्जेक्ट प्रोनाउन का चयन करते हैं। जैसे कि दे है एक से अधिक व्यक्ति के लिए यूज होता है, बी है एक से अधिक व्यक्ति के लिए यूज होता है, तो ये हम आपको बताते हैं कुछ एग्जाम्पल के साथ में, ठीक है। जरा देखिए हम यहां पर ये बताना चाहेंगे आपको कि जो सबसे पहले हम बी को स्टडी करते हैं, बी की यानी कि जो कि प्लुरल हमारा सब्जेक्ट प्रोनाउन है। देखिए बी को जो होगा यू को हमेशा वो आई प्लस यानी आई के साथ में यू की, ये इसलिए प्लुरल है। क्यों? क्योंकि यदि यहां पर आई के साथ में कोई सेकंड पर्सन जो लिसनर है, यदि वो भी उसी ऑब्जेक्ट को शेयर कर रहा है, तो हम बी का यूज करेंगे आई और यू के लिए। देखिए कैसे, फॉर एग्जाम्पल एक सिंपल है, मान लीजिए आई का स्टेटमेंट है कि आई एम ड्रिंकिंग टी, ये टी ऑब्जेक्ट पार्ट है और यहाँ पर आई सिंगुलर पर्सन है। नेक्स्ट देखिए, यदि हमारे साथ में जो व्यक्ति जिससे हमने इन्फॉर्म किया है वो भी अगर मान लीजिए चाय पी रहे हैं, तो हम उनके लिए कहेंगे यू आर ड्रिंकिंग टी, यानी कि आप ये देख रहे हैं कि जो ऑब्जेक्ट पार्ट है सेम है, जो कि आई के लिए भी और यू के लिए, तो ये जो हमारे जो सब्जेक्ट प्रोनाउन है इनको हम बी यूज कर सकते हैं कि बी आर ड्रिंकिंग टी। अब यहां पर आप देखेंगे कि हमने जो ऑब्जेक्ट पार्ट था जो डिफरेंट अलग अलग लिख रहे थे, अलग अलग सेंटेंस में लिख रहे थे, वो एक ही सेंटेंस में बी के सब्जेक्ट प्रोनाउन के अकॉर्डिंग यहाँ पर बी आर ड्रिंकिंग टी, तो ये जो हमारी इंफॉर्मेशन है, कहने का मतलब यह है कि ऑब्जेक्ट पार्ट सेम होने पर हम बी का यूज करेंगे यदि हमारा लिसनर
और स्पीकर यानी जो व्यक्ति वक्ता है और जो सुनने वाला व्यक्ति है वो दोनों यदि एक ही ऑब्जेक्ट पर हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि आई एम इन द क्लास, मैंने कहा मैं इस क्लास में हूँ, और जो पर्सन है यू आर ऑल्सो इन दिस क्लास, तो हम कहेंगे वी आर इन दिस क्लास, यानी कि इस वजह से ऑब्जेक्ट पार्ट ने हमें दोनों को आई और यू को वी बना दिया। तो इस तरह से हम सब्जेक्ट प्रोनाउन को चेंज करते हैं। एक छोटी सी स्टोरी मैं आपके यहाँ शेयर करना करूंगा इस वीडियो लेसन में, देखिए बहुत इंपोर्टेंट सी स्टोरी है, जब ध्यान देंगे। एक स्टोरी है छोटी सी, एक पर्सन है पर्सन ए, उन्होंने पूछा पर्सन बी से, क्या पूछा कि हाउ मैनी चिल्ड्रन डू यू हैव, ये क्वेश्चन है पर्सन ए का। पर्सन ए ने पर्सन बी से क्वेश्चन पुट अप किया है कि हाउ मैनी चिल्ड्रन डू यू हैव, आपके कितने बच्चे हैं। तो जरा देखिए बी का रिप्लाई इसमें क्या होगा। बी के रिप्लाई यहां पर हम दो लिखने जा रहे हैं। हमने देखा है कि पर्सन कभी कभी किस तरह से रिप्लाई देते हैं, ये जनरल लाइफ में आप देखेंगे, और जरा यहां पर अपने रिप्लाई को आप ही सोचें। जो हम लिख रहे हैं यहां पर देखिए क्या है, पर्सन बी का रिप्लाई दिया कि आई हैव टू चिल्ड्रंस, और सेकंड रिप्लाई है वी हैव टू चिल्ड्रन। देखिए आई हैव टू चिल्ड्रंस और वी हैव टू चिल्ड्रंस, जरा आप देखिए इसमें कौन सा आंसर सही है। यहां पर जो आंसर है वो ये वाला राइट है और ये रॉन्ग है। क्यों? देखिए यहां पर कंडीशन क्या है, यहां कंडीशन ये है कि यहां पर जो वी है वो आई जो कि फर्स्ट पर्सन जो कि इनफॉर्मर है जो बता रहा पर्सन बी के लिए, और ए ने सॉरी बी टेलिंग टू पर्सन ए। अब यहां पर आप देखेंगे कि जो आई प्लस, यहां पर हम एक नोट करने जा रहे हैं कि जिसके बारे में बात हो रही है, यहां पर जो आई यदि मान लीजिए हस्बैंड है, मान लीजिए हस्बैंड है तो यहां पर वाइफ जो कि सी के रूप में है। सपोज करो यदि आई वाइफ के रूप में है तो यहां पर ये हस्बैंड यानी कि जो ही के रूप में होगा। कहने का मतलब ये हुआ कि जो इनफॉर्मर यानी कि जो बच्चे हैं यानी जो ऑब्जेक्ट है वो केवल हस्बैंड का ही नहीं है, मदर का भी है, केवल मदर का ही नहीं है हस्बैंड का भी है, यानी कि मदर यानी जो माँ है या आपके जो मदर और फादर यानी कि हस्बैंड एंड वाइफ। तो जो चिल्ड्रन है वो पोजीशन एक सब आई से नहीं है केवल, वो बी से है, यानी कि उसमें भले ही वो हमारे सामने नहीं है, जब हम इन्फॉर्म करेंगे किसी ऑब्जेक्ट के पोजीशन के अकॉर्डिंग जिसमें हमारा अकेले का अधिकार नहीं है, वो हमारा अकेले की वस्तु नहीं है, तो हम हमेशा उसके लिए बी का यूज करेंगे। ये ध्यान देने की बात है कि हम कभी कंफ्यूज ना हो। हमें यहाँ पर ये बताना है इस रिलेशन में कि जो सब्जेक्ट प्रोनाउन है उनका हम चेंज कैसे करें, हम बी को गलत यूज ना करें। हम जब हमें बी का यूज करना हो तो हम बी का यूज करें, जब हमें आई का यूज करना हो तो हम आई का यूज करें। ये हमें कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब हम सब्जेक्ट प्रोनाउन को अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट के अनुसार उसका चेंज करके बोलेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है समझने के लिए कि आई जो वी इक्वल होता है वो आई प्लस यू के भी होता है और आई प्लस ही या सी के भी होता है, जो एब्सेंस अ पर्सन लेकिन वो उस ऑब्जेक्ट से बिलोंग करता है जिस ऑब्जेक्ट से हमारा भी पोजिशन है। इसलिए हम कभी भी अगर कोई चीज हमारी अपनी निजी या पर्सनल केवल, तो हम उसके लिए आई से चेंज करके बोलेंगे अपने लिए, और हमसे कोई जुड़ा हुआ है उस ऑब्जेक्ट पर उस वस्तु के पोजीशन पर जिसके बारे में हम इन्फॉर्म दे रहे हैं तो उसके लिए हमेशा हम बी का यूज करेंगे। तो इस तरह से हम सब्जेक्ट प्रोनाउन का चेंज करके सेंटेंस का डेवलपमेंट करते हैं। नेक्स्ट देखेंगे आप यहाँ पर और भी इंपॉर्टेंट चीज आपको बताना चाहेंगे कि नेक्स्ट आता है आपका दे। देखिए दे के लिए हम दे किसके इक्वल होता है, दे जो इक्वल होता है हमेशा ध्यान रहे दे का जो यूज होगा वो हमेशा मोर देन वन पर्सन यानी कि ही के साथ यानी कोई थर्ड पर्सन, ये भी थर्ड पर्सन है और ये हमारा थर्ड पर्सन है, इसके साथ कोई भी अदर पर्सन
जरूर होगा, तभी वो दे हमें सब्जेक्ट प्रोनाउन का यूज करेंगे। लेकिन यहाँ पर जब ऑब्जेक्ट पार्ट किसी थर्ड सिंगुलर पर्सन के साथ यूज ना होकर मोर देन थर्ड पर्सन के साथ में यूज हो, तब हम उनको दे का यूज करते हैं। एक एग्जांपल इसका भी हम डेवलप करते हैं। देखिए हमने यहाँ पर डेवलप कर रहे हैं एक इंफॉर्मेशन है, मान लीजिए पर्सन ए का जो व्यू है उन्होंने कहा है राज इज, सिंपल एग्जांपल लिया है कमिंग हियर। देखिए यहाँ पर एक सिंपल एग्जांपल है राज इज कमिंग है, राज यहाँ आ रहा है। एक सेकंड एक सेंटेंस इन्होंने और बोला कि कुछ और सेकंड पर्सन के लिए दे इज ऑल्सो लगा सकते हैं ऑल्सो कमिंग हियर। देखिए ये टू सेंटेंस है, यहां पर ऑब्जेक्ट पार्ट देखिए हियर यानी यहीं पर आ रहे हैं, तो यहां दोनों के लिए कॉमन है। तो यहां पर हम दोनों को अगर प्लस करें एक ही सेंटेंस में डेवलप करेंगे तो राज और देव क्या हो जाएंगे, राज एंड देव। अब देखिए यहां पर ये सेंटेंस राज और देव यानी कि यहां पर ऑब्जेक्ट सेम है, तो जो वर्ब हमारी सिंगुलर थी अलग अलग दोनों सेंटेंस के लिए वो प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। तो राज एंड देव आर कमिंग हियर, देखिए सॉरी राज एंड देव आर कमिंग हियर। तो ये तो सेंटेंस है, इसको हम और करके भी बोल सकते हैं, यानी कि कोई पर्सन जो लिसनर है वो रिप्लाई दे सकता है कि दे आर कमिंग हियर, क्या दे आर कमिंग हियर। इस तरह से यहाँ पर जो आप दे देख रहे हैं वो किसके ऊपर है, राज एंड देव के, क्योंकि यहाँ पर जब ऑब्जेक्ट हमारा सेम है तो इसलिए अगर सिंगुलर पर्सन है और दूसरा प्लूरल पर्सन है तो दोनों ही हमेशा प्लूरल पर्सन ही रहेंगे। तो यहां पर आप देख रहे हैं किस तरह से हम सब्जेक्ट प्रोनाउन का यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट। यहां पर ऑब्जेक्ट पर ध्यान देना है, हमें अपने सेंटेंस को बोलते वक्त हमें पर्सनल इंफॉर्मेशन दे रहे हैं या वो इंफॉर्मेशन ऐसी है जिसमें किसी दूसरे व्यक्ति का भी इन्वॉल्वमेंट है, यानी कि केवल सिंगल पर्सन का ऑब्जेक्ट से संबंध ना होकर एक से अधिक व्यक्ति के साथ में भी संबंध है उससे, तो हमेशा सेंटेंस जो वर्ब होगी हमेशा ऑक्सिलरी वर्ब वो प्लूरल फॉर्म होगी यदि ऑब्जेक्ट शेयर है। यदि ऑब्जेक्ट पार्ट शेयर नहीं है तो वर्ब हमेशा ऑक्सिलरी वर्ब हमेशा सिंगुलर रहेगी। ये ग्रामेटिकल एरर में भी बहुत इंपॉर्टेंस है समझना, और सेंटेंस को एट ए टाइम इन्फॉर्म देने के लिए भी बेहद इंपॉर्टेंस है कि हम अपने सब्जेक्ट प्रोनाउन का चेंज कैसे करें, उनका यूज कैसे करें। तो ये हमारी जो वीडियो थी, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल इस तरह से हम डेवलप कर सकते हैं, बता सकते हैं। जैसे हमने कहा आई एम ए इंग्लिश टीचर, और जो व्यक्ति जिससे बात कर रहे हैं उन वो भी उन्होंने कहा आई एम आल्सो भी इंग्लिश टीचर, तो हमने कहा गुड वी आर एंड इंग्लिश टीचर, यानी कि दोनों ही हम इंग्लिश टीचर है। तो इस तरह से हमने दोनों के लिए आमने सामने व्यक्ति जो सुनने वाले हैं और बोलने वाले हैं दोनों के लिए हमने बी का यूज किया। इसी तरह से किसी पर्सन के बारे में बात करेंगे जो एब्सेंस में जो हमसे जुड़ा हुआ है तो हम बी का यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने कहा कि आई वर्क इन एबीसी कंपनी, मैं एबीसी कंपनी में आई वर्क इन एबीसी कंपनी में एबीसी कंपनी में काम करता हूँ, एंड जिसके एक व्यक्ति और है जिसके बारे में इन्फॉर्मेशन वो भी उस एबीसी कंपनी में काम करते हैं, तो मैंने कहा कि ही वर्क्स आल्सो इन एबीसी कंपनी, तो पर्सन ने रिप्लाई दिया ओ, यानी कि ही के लिए और मेरे लिए उन्होंने क्या यूज किया, यू वर्क इन द सेम कंपनी, तो उस पर्सन ने आई के लिए और ही के लिए क्या डेवलपमेंट कर दिया, यू का। तो इस तरह से हमें याद मतलब ये जाना चाहिए कि सब्जेक्ट प्रोनाउन जो कि पर्सनल प्रोनाउन है उनका ऑब्जेक्ट पार्ट से बहुत डायरेक्ट रिलेशन होता है, और इसी तरह से हम सब्जेक्ट प्रोनाउन का चेंज करें, हमें सब्जेक्ट प्रोनाउन को अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट एंड ऑक्सिलरी वर्ब के हिसाब से वो चीजें, ऑब्जेक्ट शेयर है तो ऑब्जेक्ट जो हमारा यू नो ऑक्सिलरी वर्ब है वो उसी तरह से प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है समझने की कि सब्जेक्ट प्रोनाउन को हम कैसे यूज करते हैं। मैं समझता हूँ कि आप इस वीडियो लेसन को समझ गए होंगे, और इस वीडियो लेसन को आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और आगे आने वाली जितनी भी हमारी अपकमिंग वीडियो है वो सभी हम इसमें वर्ब के एरर को लेकर ग्रामेटिकल टोटल कॉन्सेप्ट को हम आपको पूरी तरह से एक्सप्लेन करेंगे, कोई भी किसी तरह का कोई भी
एरर ना रहे और कोई भी अंडरस्टैंडिंग ऐसी ना हो जो आपकी डेवलपमेंट ना हो, ताकि आपकी फ्लुएंसी प्लस ग्रामर कॉन्सेप्ट कॉम्पिटिटिव कॉम्पिटिशन भी आप उसको क्रैक करें। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।